हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हो गई आज सबकी, आप सबकी भी हो गई होगी, मेरी भी हो गई है। आज धूप काफ़ी तेज़ है छत पर, और धूप में बैठ नहीं सकते, बट हवा चल रही है बाहर। अभी तो चल रही है, सुबह का टाइम है तो हवा चल रही है, दिन में शायद हवा ना चले क्योंकि धूप तेज़ है आज। तो आज मैं आ गई हूँ फिर दूसरी कहानी लेकर आपके लिए, एक नई सी अच्छी सी प्यारी सी शॉर्ट में। तो मैं जिस तरह की मेरी साइट है ना, तो उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हूँ। अब तक के बहुत सारे एक्सपीरियंस मैं लिख चुकी हूँ और अभी लिखने बाकी हैं। तो उसमें मैं एक कहानी लिखती हूँ, लिखी हुई है मैंने, कि हमारा गढ़वाल में जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, वहाँ पे हर जाति प्रजाति के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने संस्कार और संस्कृति हैं। मतलब वैसे हम सबको एक ही संस्कृति एक ही है, बट अपना एक जो पर्सनल स्पेस होता है ना सबका, वो थोड़ा अलग होता है। सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, तो वही संस्कार बन जाता है, घर के संस्कार जिसे कहते हैं। तो हम लोग वैसे तो हम लोग पूजा सब, हम सब वही शिव जी, विष्णु भगवान, हनुमान, दुर्गा माता, इन सब की पूजा करते ही करते हैं सब अपने हिसाब से। लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, कोली समाज से, तो हम लोगों के पूजा करने का तरीका अलग होता है। हम मंदिरों में जाते हैं, एक समाज में एकता बनाए रखने के लिए जाते हैं, बट हम फिर भी अपनी जो हमारी जो पारिवारिक पूजाएं होती हैं, जिसमें संगोष्ठी, पारिवारिक संगोष्ठी होती है, तो उसमें हमारे पूजा या हमारे जो कुल देवता होते हैं, वो उसकी पूजा अलग होती है। तो हमारे कुल देवता होते हैं निरंकार, ठीक है। ऐसे ही और जातियों के लोग भी रहते हैं गांव में, ब्राह्मण, जजमान, मुझे पता नहीं है इतनी जातियों के बारे में कौन कौन से होते हैं, मुझे अपना पता है जिस समाज से मैं आती हूँ। तो हमारे कुल देवता होते हैं निरंकार। तो वो निरंकार की कथा ऐसी होती है कि हम उसको पीढ़ियों से मानते आए हैं, तो उसकी कहानी बड़ी अच्छी है, रोचक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी वो कहानी, लेकिन उसकी पूजा मैं बताती हूँ किस तरह से होती है। उसकी पूजा में बकरे, मुर्गे, जो भी जिस तरह का मतलब आपका देह होता है, बकरा है मुर्गे, जैसे ईद में बकरा की उसकी बलि दी जाती है, वैसे ही उसमें भी बकरे की बलि दी जाती है। बट वो कहानी काफ़ी लंबी है, और रोचक तथ्य ये है कि वो एक भाई और बहन के प्रेम पर आधारित है, भाई और बहन का अगाढ़ प्रेम। उसमें बहन और भाई की वो कथा बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में ये समझाती हूँ कि एक भाई होता है, तो वो अपनी बहन को मिलने जा रहा होता है कहीं, जहाँ उसके ससुराल। तो उसकी बहन किसी अच्छे घर में शादी करके गई हुई होती है। तो ये मैं एंड का पोर्शन थोड़ा सा सुना रही हूँ, कहानी वैसे बहुत लंबी है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे उसमें जागर लगते हैं। जागर यानी कि एक गीत शैली होती है गाने की, उसमें गीत लगाकर, और एक वाद्य यंत्र होते हैं डौर और थाली, उसको बजाकर गीत लगाए जाते हैं, और फिर देवता को मतलब एक आह्वान किया जाता है उनका। तो जब उनका आह्वान किया जाता है, तो वो किसी के भी शरीर में प्रकट होकर अपना एक रूप दिखाते हैं, कुछ नाच कर या कुछ बोल कर। तो वो जिस तरह से खुश होते हैं, वो शक्ति या वो ऊर्जा, जिस तरह से अगर वो प्रसन्न होती है, तो वो जिसके शरीर में प्रविष्ट होती है, प्रकट होती है, वो उस तरह के वचन बोलती है या उस तरह के वो आदेश देती है, दिशा निर्देश करती है कि मुझे, मैं इस तरह से तुम्हें रक्षा करूँगा, या मैं तुम्हारी पूजा से इस तरह से खुश हुआ हूँ। तो वो इस तरह की कुछ बातें करते हैं। तो वो आह्वान का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो खैर, ये भाई बहन की कहानी है। तो उसमें ये होता है कि भाई अपनी बहन को मिलने जा रहा होता है, तो वो उसकी बहन किसी अच्छे घर में, गांव में, बहुत राजमहल में, बहुत राज करती है। तो जहाँ वो थी, तो उसके गांव के मतलब किसी ने उसके भाई को देखा होगा, तो वो कहता है कि वो उसको कहते हैं, उसकी बहन को, कि तुम्हारा कोई भाई कह के तुमसे मिलने आया है। तब वो कहती है कि अगर मेरा भाई होगा, मेरा भाई इतनी दूर मुझे मिलने कैसे आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब उसे उस टाइम बहुत पुरानी बात है, उस टाइम जादू मंत्र या ये सब यज्ञ हवन ऐसी चीज़ें होती थी, तो
उसमें शायद कुछ शक्ति के द्वारा उसे पता चलना चाहिए था जो उसे पता नहीं चला। तो उसने पूछा उससे जिसने उसे बताया कि हाँ, तो उसने कहा अगर मेरा भाई हुआ तो ये जो कालीन बिछी हुई है सारे रास्ते में, मेरा भाई इस कालीन को बटोर के मेरे घर तक आएगा अगर वो मेरा भाई हुआ तो। तो वो उस लड़का जो आ रहा होता रास्ते में पूछ पूछ के अपनी बहन का घर, तो वो रास्ते में कालीन उस रास्ते पे आता है जहाँ पे कालीन बिछी होती है, तो वो उस कालीन को बटोर बटोर के आता है। उसे लग जाता है कि मेरी बहन का ही है, अंदाज भाई बहन का प्रेम है तो पहले और अब के भाई बहन के प्रेम में बहुत अंतर है। तो वो ऐसे करके जाता है उस घर तक पहुँचता है, तो वो बहन देखती है कि तो मेरा भाई लग रहा है या उसे कुछ हल्का सा अंदाज़ा होता है, बट वो पहचान लेती है। फिर वो भाई को तो पता था ये मेरी बहन है, उसने तो पहले ही जो कालीन बिछी थी उसको बटोर कर आ गया था घर पे। तो वो दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे की हाल खबर खुशी खबर पूछते हैं। तो इस तरह से होता है। तो वो फिर उसमें एक कहानी और भी है कि उसके ना दो लड़के जो होते हैं अंदर उसने सुला रखे होते हैं, तो वो भाई कहता कि मेरी बहन के तो कोई बच्चे दिख नहीं रहे, इसका मतलब मेरी बहन के पता नहीं किस तरह से रह रही होगी यहाँ पे। तो वो कहती है बच्चे एक होता है शायद वो, तो वो सुला रखा होता है उसने। तो वो कहता है कि बहन वो जादू ही था, जादू बहुत मतलब उसकी शक्तियाँ थी उसमें भाई में, तो उसको निरंकार का रूप मानते हैं। तो वो कहता है कि बहन तू एक काम करेगी, अपने अपने बेटे को मेरे पास लाएगी। तो वो कहता है कि वो कहती क्यों, वो कहता है देख मैं तेरे भाई के तेरे एक के जगह दो बेटे करता हूँ। तो कुछ जादू मंत्र करता है और उसकी बहन तब तो कहता तू खाना लेके आ अंदर से, तो वो अपने बेटे को भाई के पास छोड़ देती है और कुछ जादू मंत्र करता है। कुछ जादू मंत्र इस तरह का करता है कि वो एक के दो हो जाते हैं। तो वो जब वो एक के दो हो जाते हैं तो वो छुपा के जब तक वो बहन खाना बना के उसके लिए परोसने लाती है, वो उसको उसके बच्चों को अंदर रख देता है, जो दो हो जाते हैं उनको अंदर बिस्तर में छुपा के रख देता है। फिर वो उसको खाना परोस के खिलाती है। फिर वो कहता है कि जा बहन मैंने खाना तो खा लिया पेट भर के, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया था, अब तू अंदर जा और अपने बेटे को देख सही से सोया कि नहीं सोया। वो अंदर जाते उसके एक के दो रखे होते हैं, तो खुश हो जाती है कि मेरे एक के दो बेटे कैसे हो गए। ये कहानी एक सांकेतिक रूप में है, ऐसा होता नहीं है, बट एक कुछ है इस कहानी का जैसे संकेत के रूप में बताना कि इस कहानी से आपको मतलब निकालना है। आप किस तरह का मतलब निकालते हो आप पर डिपेंड करता है, आप क्या सोच के मतलब निकालते हो। तो उसके एक के दो बेटे हो जाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। तो अपने भाई से पूछते कैसे किया, तो वो कहता है कि ये मेरी शक्तियाँ थी जो मुझे अब तक मिली थी। कहानी उसके पीछे बहुत बड़ी है कि उसको कैसी शक्तियाँ मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये कहानी मेरे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, मुझे हल्की पता है इसलिए मैं आपको इतना ही सुना पाई हूँ। तो वो एक के दो हो जाते हैं। तो ये कहानी इस तरह की है, मतलब वो भाई बहन का प्रेम होता है, वो भाई बहन से मिलने जाता है, खुश होता है उसके खुशी से, अपनी बहन को खुश देखकर वो उसके जादू से एक के दो बेटे कर देता है और वो भी खुश हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है उसको। इसमें और भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो मुझे अभी पता नहीं है, मतलब याद नहीं रहती। पता तो मैंने जब कोई मुझे सुनाएगा तो मुझे पूरा याद आ जाता है, बट ऐसा याद नहीं रहती। तो इस तरह की कहानी, तो वो निरंकार की हम पूजा करते हैं उसकी भाई के रूप में कि वो इतना अच्छा भाई था, वो एक अच्छा दोस्त भी था। उसके साथ एक और चेले चलते हैं उसके, हीत न करके होता है। बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो रोंगटे खड़े करती हैं। अगर आप सुनोगे किसी हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से तो ये कहानियाँ इन देवों की जिनकी देवताओं की हम पूजा करते हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ होती हैं। तो खैर हम उसकी पूजा करते हैं, तो मैं आपको इतना बता सकती थी जितना मैंने बता दिया। आगे और कहानियाँ मैं आपको बताती रहूँगी इससे जुड़ी हुई। एक कहानी और है जो मैं छोटे में सुनती थी नानी से, उसमें ये था कि दो भाई बहन होते हैं, वो अपनी सौतेली माँ के पास रहते हैं, तो सौतेली माँ उनको पालती है, तो उसे बहुत काम करवाती है, मजदूरी करवाती है, घर के सारे काम करवाती है, खेती बाड़ी बहुत सारे काम। तो वो तंग आ जाता भाई की, हम दोनों भाई बहन कितना थक के इतना काम करते रहते हैं, ये हमारी माँ फिर भी हमें प्यार नहीं देती। तो उस भाई ने कसम खा रखी होती कि मैं बाहर जाऊंगा और कुछ ज़्यादा धन पैसा कमा के अपनी बहन को सुख दूंगा और खुद भी अच्छे से रहूंगा। तो वो जाता है कहीं बाहर, तो जाते जाते उसके जाते जाते उसको एक रास्ते में एक जगह पे वो रुक जाता है, तो एक पीपल का पेड़ होता है शायद, तो उसके नीचे या ऊपर कहीं पर शिव और पार्वती बैठे हुए होते हैं। तो
तो उसको थका हुआ देखते हैं और देखते हैं कि ये बहुत दूर से आया हुआ है। तो पार्वती कहती हैं शिव जी से कि देखो प्रभु, ये कितना थका आ रहा हुआ है, इसको कहीं जाना है शायद। तो वो अपने फिर अपनी जितनी शिव पार्वती की जो शक्तियाँ थी उनसे पता कर लेते इसको कहाँ जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है। तो वो बताती है कि इसकी कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो। तो शिव जी कहते ठीक है पार्वती, अगर तुम कहते तो मैं करता हूँ। वैसे ये जा कहाँ रहा है, कोई मतलब तुम्हें अंदाज़ा होगा। तो वो बताती हैं, एक दूसरे से बात करते हैं दोनों, शिव जी और पार्वती। तो वो कहती है कि ये जहाँ भी जा रहा है इसको आप एक जादुई खटिया दे दो, ये उसमें जाकर अपने उससे मतलब उस पर बैठ कर ये अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। तब वो उसके खटिया वहाँ पे रख देते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे एक जादुई खटिया होती है। तो वो उस जादुई खटिया को देखता है और उस पर बैठता है और उसका इस्तेमाल करता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये किसी भगवान ने किया है और वो शिव पार्वती ही थे, क्योंकि वो जिस पेड़ के नीचे, शायद पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है। तो उसके पीछे पीछे उसकी बहन भी आ रही होती है, तो उसकी बहन को देखता है वो कि मेरी बहन आ रही है। तब वो वहीं पर उसकी अपनी बहन को रोक देता है कि बहन तो मेरे पीछे मत आ, मैं अकेले चला जाऊंगा और मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ से वापस जल्दी आ जाऊंगा। तो बहन बहुत रोती है, कहती है भाई तू अकेले कैसे जाएगा और मैं अकेले कैसे रहूँगी। तो पर ऐसे में दोनों के बीच बहुत लंबी बात होती है, तो वो वापस घर चली जाती है और मान उसे मना के वो घर भेज देता है। तो वो चला जाता है, तो वो जाता है सात समुंदर पार। तो सात समुंदर पार उसको यात्रा करनी पड़ती है और उस खटिया में बैठ के करता है, लेकिन वो यात्रा बड़ी मुश्किल होती है। तो वो सात समुद्र पार कैसे जाता है कि हर एक समुद्र पार करके उसे तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं, कहीं पे बहुत सारी चींटियों का ढेर, कहीं बंदरों का ढेर, कभी तरह तरह के अजीब अजीब से जानवर मिलते। तो उन सारी मुश्किलों को पार करके जब जाता है उस जगह पे जहाँ उसे धन या समृद्धि, जितना भी जो भी चीज़ मिलनी थी, जो उसकी ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, तो वो वहाँ से लेकर वापस आ भी जाता है वैसे उसी खटिया में वापस पार करके। ये कहानी भी काफ़ी लंबी है, डिटेल में शायद मुझे याद नहीं है, बट इतना मुझे याद था। तो ये भी भाई बहन का प्यार पर डिपेंड है। तो ये कहानियाँ हम सुनते आए हैं बचपन से कि इस तरह का भाई बहन का प्यार होना चाहिए, होता है, होता था।